हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हवाई जहाज़ के ऊपर कि भारत में हवाई जहाज़ और दुनिया में जो हवाई जहाज़ दूसरे देशों में चलते हैं वह किस रफ्तार से चलते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है। तो जो हमारे भारत में हवाई जहाज चलते हैं इंडिया के अंदर, उनकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ते हैं इंडिया में, और इंडिया के बाहर जो है दूसरे देश अमेरिका, रशिया, जापान, चीन, तो यहाँ के जो हवाई जहाज़ों की स्पीड रहती है वो 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ते हैं, और हमारे इंडिया में सिर्फ 600 किलोमीटर की रफ्तार से यह प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि मैं इंदौर से मुंबई 600 किलोमीटर का है, तो इंदौर से जो फ्लाइट चलती है तो वह 1 से 1.5 घंटे में इंदौर से बॉम्बे लगा देती है, क्योंकि इंदौर से बॉम्बे 600 किलोमीटर ही है। तो 1 से 1.5 घंटे में इंदौर से मुंबई का सफ़र तय हो जाता है फ्लाइट से। इसमें सिर्फ दिक्कत आती है तो आपको फ़्लाइट में एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट जितने भी रहते हैं पूरे भारत में, एयरपोर्ट सब एकांत में कोने में रहते हैं, सिटी से बाहर रहते हैं एयरपोर्ट, और जो सिटी बड़ी बड़ी हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, वो ज़्यादा दूरी पर रहते हैं। जो छोटी सिटी छोटी है, जैसे कि मान के चलो इंदौर, तो इंदौर शहर ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो सिटी से 15-18 किलोमीटर की रेंज पे बना हुआ है। और जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइटों की बात करें, जो कि इंडिया से सभी देशों के लिए फ़्लाइट जाती हैं, तो वो कुछ शहर ही ऐसे हैं जहां से इंटरनेशनल फ़्लाइटें जाती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, और यह दो ऐसे शहर हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें जाती हैं। सभी जगह के लिए आपको यहाँ से फ़्लाइटें उपलब्ध रहेंगी दिल्ली और मुंबई से। बाकी हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और पूना, यह शहर ऐसे हैं कि यहाँ से भी फ़्लाइटें दूसरे देशों में जाती हैं पर कम जाती हैं, नामात्र गिनती की फ़्लाइटें ही जाती हैं। बाकी दिल्ली और मुंबई से आपको हर जगह के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइटें मिल जाएंगी। और जो हवाई जहाज जो रहता है उसमें सारे सिग्नल सब दिए रहते हैं, और इसकी लाइट इतनी पावरफुल रहती है कि जब यह उड़ता है तो इसकी आपने कभी गौर करा होगा कि जब भी ऊपर दिखाई देता है हवाई जहाज़ तो उसकी लाइटें भी आपको दिखाई देती हैं। इसमें दो बड़ी बड़ी बिग LED लाइटें रहती है सामने फ्रंट पे, और बैक साइड में लाल लाइटें रहती हैं, ताकि जो ये लाल लाइटें इसलिए रहती है पीछे से कि जो हवाई जहाज़ पीछे से बैक साइड में अगर हो तो उन्हें मालूम पड़ जाए कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। वैसे सिग्नल से सारे हवाई जहाज, सारे जैसे ट्रेन रहती हैं सारे सिग्नल से ही चलती हैं, अगर लाल सिग्नल है तो वो रोक दी जाती हैं। वैसे ही यह हवाई जहाज भी ऊपर जो आसमान में उड़ते हैं यह भी सिग्नल के हिसाब से ही उड़ते हैं। अगर इनको टिकअप करना है, उतरना है, तो अगर जब तक वहाँ पर कोई दूसरा हवाई जहाज खड़ा रहेगा तब तक यह ऊपर ही ऊपर गोल चक्कर मारते रहेंगे। जब इनकी लाइन क्लियर हो जाएगी, हवाई जहाज वहाँ से हट जाएगा इनकी लाइन, तो इनको सूचना दे दी जाती है माइक द्वारा, तब यह नीचे उतार लेते हैं।
और जब यह नीचे उतरता है तो इसकी स्पीड काफ़ी तेज रहती है। 250 से 280 किलोमीटर की स्पीड से यह नीचे उतरता है, हवाई पट्टी जिसे बोला जाता है। और यह हवाई पट्टी जब उतरता है तो बहुत स्पीड से रहता है, फिर इसकी स्पीड धीरे 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 इनमें पावर ब्रेक लगा कर इनके हवाई पट्टी में इन्हें आखिरी तक इन्हें रोक दिया जाता है। तो यह इमरजेंसी सेवा है, अगर इमरजेंसी के लिए जाना है तो आप हवाई जहाज का उपयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।